बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस वक्त बिहार से बड़ी खबर है, जहां बिहार के स्वर्ग वकीला सादा सिन्हा की तबियत बिगड़ी। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में आईसीयू में रखा गया है। बिहार की बड़ी खबर और उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एम्स पहुंचकर उनका हालचाल जाना और इस खबर पर इस जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शुभेंदु रमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। शुभेंदु, बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा की जो है तबियत लगातार खराब चल रही है, उनकी जो स्थिति है वो भी चिंताजनक बनी हुई है, क्या कुछ जानकारी इस पर? बिल्कुल, जो जानकारी अभी निकल कर आ रही है अवंतिका की, बिहार की स्वर कोकिला, मतलब जिस तरह से अगर छठ के गाने अगर कहीं बजते हैं तो ठीक ही ख्याल आता है कि शारदा सिन्हा के गाने बज रहे हैं, तो उनकी तबियत जो है चिंताजनक बनी हुई है। लगातार 7 दिनों से दिल्ली एम्स में जो है आईसीयू में एडमिट है और लगातार जो अपडेट आ रहे हैं कि उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि पद्म विभूषण से उनको सम्मानित किया जा चुका है और बिहार के लिए जिस तरह से कहते हैं कि लता मंगेशकर को जाना जाता था पूरे भारत के लिए, उसी तरीके से स्वर कोकिला कहा जाता था बिहार के लिए शारदा सिन्हा के लिए। बिना छठ में बिना उनके गाने के मानो सब चीज अधूरा हो। शादियों की भी बहुत सारे गाने हैं लेकिन खासकर अगर छठ की बात आती है तो छठ बिना शारदा सिन्हा के संभव नहीं है और उनकी तबियत खराब है। मैं आपको बताऊं कि लगातार जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी फोन करके उनके बेटे से उनका हाल चाल जाना और जो खबरें सामने निकल कर आ रही है कि 2017 से वो बोन मैरो कैंसर से जूझ रही है और इसी कारण से लगातार जो है उनको तकलीफें बढ़ गई थी, इसी कारण से उनको दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया जहां उनकी स्थिति जो है चिंताजनक बनी हुई है। खाने पीने में काफी उनको परेशानी हो रही है। जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी एम्स पहुंचकर उनका हाल चाल जाना। देखिए, बिहार के लिए बहुत बड़ी हस्ती है, खासकर अगर संगीत के क्षेत्र में कहा जाए अवंतिका तो बहुत बड़ी हस्ती है। बिल्कुल, देखिए वो बिहार के लिए तो बड़ी हस्ती है ही रमन, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड में भी कई ऐसे बड़े गाने जो है गाए और बॉलीवुड में भी उन्होंने अपनी पहचान जो है वो बनाई है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि हम आपके हैं कौन जैसी बड़ी फिल्म जो सूरज बरजात्या है, उनके बैनर तले भी उन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं, तो कह सकते हैं कि बिहार के लिए अवंतिका जो है अभी बहुत चिंताजनक स्थिति बनी हुई है उनकी सेहत को लेकर। और जगह जगह उनकी सेहत में सुधार के लिए पूजा किया जा रहा है, हवन किया जा रहा है। जितने भी उनके प्रशंसक हैं काफी चिंतित हैं, काफी दुखी हैं और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना जो है ईश्वर से कर रहे हैं। हालांकि जो चिंताजनक बात ये है कि उनकी सेहत में सुधार नहीं हो रहा है, जो सबसे बड़ा विषय है कि उनकी सेहत में थोड़ा सा भी सुधार नहीं हो रहा है। एम्स में जो है आईसीयू वार्ड में वो भर्ती है। तो आप समझ सकती हैं कि बिहार के लिए जो है एक भावना जुड़ी हुई है, एक आस्था शारदा सिन्हा के साथ जुड़ी हुई है। अगर छठ के गाने अगर बजते हैं और शारदा सिन्हा का गाना अगर वहां नहीं बजे तो वो छठ मानो अधूरा लगता है। छठ पूजा आप जानती हैं कितना महत्वपूर्ण है बिहार के लिए, यूपी के लिए, और वहां पर अगर शुरुआत होती है, छठ की शुरुआत होती है लगभग जैसे ही कार्तिक का पवित्र महीना जो है शुरू होता है, वैसे ही शारदा सिन्हा के गाने बजने लगते हैं, उनकी धुन जो बजने लगती है और एक सिहरन सी होती है। एक जब उनके आप गाने सुनेंगे अवंतिका तो पूरे शरीर में एक सिहरन सी महसूस होगी, पूरा तन मन जो है पवित्र हो जाता है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी जो है मधुर उनकी वाणी है, कितनी जो मधुर वो गाती है। तो समझ सकते हैं कि उनकी जो हेल्थ इश्यू को लेकर जो बोन मैरो कैंसर जो उनको हो रखा है 2017 से हो रखा है, लगभग 7 सालों से इस कैंसर से वो जूझ रहे हैं, उनको खाने पीने में भी काफी परेशानी हो रही है और इसी को लेकर उनको दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। और देखना है कि जल्द जो है उनकी सेहत में कब सुधार होता है और जो जितने भी प्रशंसक है उनको जो है खुशी की खबर कब मिलती है अवंतिका। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रमन इस खबर पर अधिक जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, बिहार की स्वर कोकिला यानी कि शारदा सिन्हा जो कि अपने छठ के गानों से या फिर लोकगीत हो या फिर विवाह गीत हो, वो बहुत ही लोकप्रिय उनकी गीते हैं और बहुत ही उनका गाना जो है सभी सुनते हैं। छठ में उनका गाना जो है वो बजना ही बजना होता है क्योंकि उनके लिए उनकी जो पहचान है अलग पहचान बनी हुई है। उनकी तबीयत जो है बहुत खराब है और वो अभी दिल्ली के एम्स के आईसीयू में भर्ती है और लगातार बड़ी बात यह है कि उनकी जो स्वास्थ्य है उनमें सुधार नहीं देखा जा रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कब तक वो स्वस्थ होती है।